Now we will see the first chapter of your anxiety and biology that is called living world. What is the name of chapter that is called living world? Chota chapter A, eh? but the important chapter. okay? So what is biology? Biology is the study of life, okay? So biology is what your study of life. This is word that is called biology. Bio means study and logos, sorry, bio means life and logos means to study. right? so study of life is basically what the biology. okay. in this biology, we study the various life form and life processes in which living organism. okay, biology, right? what we are studying in the biology, we study the forms of life. various. फॉर्म्स ऑफ लाइफ हम लोग फॉर्म देखते लाइफ के प्लांट है एनिमल है बैक्टेरिया है यूनिसेलुलर मल्टी सेलूलर है ये फॉर्म्स है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द लाइफ और हम लोग क्या करते हैं उस लाइफ में के वेरियस प्रोसेसेस भी देखते हैं हम लोग राइट तो प्रोसेसिस क्या हो गया राइट जैसे हो गया रेस्पिरेशन पड़ना है सर्कुलेशन है प्लांट में फोटोसिंथेसिस है एनरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये सारे प्रोसेसिस है बेसिकली राइट सो वट इज बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन विच वी स्टडी द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ एंड द वेरियस प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम राइट सो वेर वी टुक दिस वर्ड लाइक दीज आर द ग्रीक वर्ड नॉर्मली ये सारे लीक ग्रीक वर्ड रहते हैं जैसे बायोज मीन्स

अब जो चीज़ हम लोग यूज नहीं करते वो कभी चेंज नहीं होती राइट सो इसीलिए इफ यू टेक वन वर्ड तो सारे कंट्रीज में वो वर्ड सेम ही रहेगा क्योंकि वो लैंग्वेज कैसी है डेड है नो बडी इज यूजिंग दैट लैंग्वेज सो लॉट ऑफ वर्ड इन साइंस वी टुक इट फ्रॉम द ग्रीक एंड द लैटिन फिर उन लोगों वो लैंग्वेज वर्ड लेके हम लोगों ने तो ये क्या हो जाते है इंटरनेशनली सेम हो जाते वर्ड राइट right? तो कैसे है कि जैसे हम लोग अभी हिंदी में बात कर रहे हैं वी वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश और मराठी राइट right? बहुत सारी लैंग्वेजेस है हर लैंग्वेज का डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है अगर हम लोगों ने सिर्फ हिंदी में अगर कोई बुक्स बनाए तो क्या प्रॉब्लम होगा राइट right? अदर लैंग्वेज और अदर पीपल के नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सो कैसी लैंग्वेज चाहिए दो शुड बी अंडरस्टूड बाई ईच एंड एवरी पर्सन वो चेंज नहीं होनी चाहिए एंड दैट इज वाई द लॉट ऑफ वर्ड इन योर साइंस दे टूक इट फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज हम लोग देखेंगे भी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एक लैंग्वेज क्यों चाहिए करके राइट right? अब आपको देखा है आप लोगों ने कि इन लिविंग वर्ल्ड इन बेसिकली दिस लिविंग वर्ल्ड न सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं राइट सो ये जो डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हम लोग क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी इसको क्या बोलते हैं हम लोग डाइवर्सिटी अगर आपको एक वर्ड है यूनिवर्सिटी इज़ यूनिवर्सिटी वन यानी सब जगह का एक जगह जो काम करता है एजुकेशन का जो हो गया राइट right? उसको हम लोग कैसे बोलते हैं एजुकेशन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इज अ वन प्लेस सो डाइवर्सिटी इज अ डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके इन द लिविंग वर्ल्ड सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी क्या है यह भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नाम ही है लिविंग वर्ल्ड एंड डाइवर्सिटी दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ द चैप्टर ओके नाउ Living living राइट right? तो अभी आपको मुझे एक बात बताओ डायसोर दिखता है क्या नहीं दैट इज वाय मैंने स्पेशली क्या बोला है ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी के प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्मे एनिमल किंगडम वाले भी आ जाएंगे और प्लांट वाले सारे ऑर्गेनिज्म है राइट right? बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिज्म ये वर्ड सिर्फ हम लोग एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं प्लांट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट्स अ लिविंग ओके सो ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर है हम थोड़े रिलेटेड है हम चलते हैं एनिमल्स uh, भी चलते है बर्ड को भी दो पैर है राइट right? वो भी खाते हैं हम लोग भी खाते है एवरीबडी इज ब्रीदिंग राइट या कुछ ना कुछ हम लोगों के इसमें रिलेशन है सो ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर जरूरी नहीं कि ईच अदर ही रिलेशन है हमारे वी आर अल्सो रिलेटेड टू द प्रीवियस लिव्ड ऑर्गेनिज्म Previous lived, जो अभी है नहीं dinosaur, right? उनके साथ भी हम भी खाते हैं वो भी ब्रीदिंग करते हैं हम भी ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग रिलेटेड है राइट सो रिलेटेड टू ईच अदर एंड जो प्रीवियस है पास्ट वाले जो अभी है ही नहीं आपको दिख नहीं रहे They are also related to each other, right? Living world has bahut different different type के organism hai It start from unicellular to multicellular. Unicellular yani एक cell से बना हुआ organism में, multicellular यानी हम, हमारे body में तो बहुत सारे cell हैं तो यार multicellular. Unicellular का सब को एक example तो सब को याद आता है that is called amoeba. ये पूरा एक सेल है so, अमीबा राइट सो वो ऑर्गेनिज्म अमीबा कैसा है एक सेल से बना है, तो इसको क्या बोलेंगे यूनिसेलर तो so, देखो लाइफ फॉर्म कितनी डिफरेंट डिफरेंट है इट स्टार्ट फ्रॉम यूनिसेलर टू मल्टीसेल्यूलर सो व्हाट आर द लिविंग प्रोसेस या लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस यानी क्या लाइफ प्रोसेस अब ये लाइफ प्रोसेस रहते क्या लाइफ प्रोसेस यानी बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्मिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक फंक्शन ब्रीदिंग है रेस्पिरेशन यानी यह हमारा सर्कुलेशन हो गया राइट right? तो ये जो बेसिक प्रोसेस है सर्कुलेशन हो गया रेस्पिरेशन हो गया एक्सक्रीजन हो गया डाइजेशन हो गया राइट right? एनीथिंग एनीथिंग रिप्रोडक्शन हो गया ये सारे जो बेसिक फंक्शन है ऑर्गेनिज्म के इनको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज वी रिकॉल्ड द लाइफ प्रोसेसिस क्यों चाहिए हमको ये बेसिस फंक्शन क्योंकि टू सर्वाइव किस लिए चाहिए टू सर्वाइव ऑन द वर्ल्ड और टू सर्वाइव ऑन द अर्थ इन द वर्ल्ड एंड ऑन द अर्थ अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे इफ यू आर नॉट हेल्दी राइट वी विल बी लाइक किल्ड बाय समवन वन एल्स राइट सो सर्वाइवल ऑफ़ द फिटनेस बहुत ज़रूरी है राइट सो सर्वाइव होने के लिए हमको सारी चीज़ें करना है ब्रीथ करना है डाइजेस्ट करना है जो नहीं है हमारे बॉडी में वो एक्सरीट करना है राइट right? सो so, ये सारी हमें सर्वाइव होने के लिए लाइफ प्रोसेसेस रहती है सो दीज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस एंड इट शुड परफॉर्म कंटिन्यू ऐसा जरूरी नहीं कि आप ब्रीदिंग कल करोगे और आज नहीं करोगे आज चलो आज मैं ब्रीदिंग नहीं करता ऐसे चलता क्या नो इट्स नॉट पॉसिबल राइट सो दिस लाइफ प्रोसेसेज शुड बी कंटिन्यूस कंटिन्यूस होनी चाहिए लाइफ प्रोसेसेस आपकी एक्टिव होनी चाहिए राइट right? हो सकता है कुछ देर के लिए जैसे रिप्रोडक्शन हो गया रिप्रोडक्शन कैसी है कि कुछ हाँ एक लाइफ प्रोसेस है देखो ह्यूमन बींग अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो नेक्स्ट ह्यूमन बींग कहां से आएगा फिर कुछ दिन के बाद हमारी नए ह्यूमन बींग बनेंगे ही नहीं राइट सो ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लेकिन रिप्रोडक्शन एकदम पूरे हमारी लाइफ में एक्टिव रहता है क्या नहीं रहता है एट प्यूबर्टी और ये कैसे कुछ आपकी लाइफ स्टेजेस में रह सकती है राइट right? लेकिन जैसे ब्रीदिंग हो गया ब्रीदिंग इनएक्टिव रह सकता कि आपका नहीं अभी दो तीन दिन में ब्रीदिंग नहीं करता हूं ऐसा चलेगा क्या नो इट्स नॉट पॉसिबल राइट तो इसीलिए बोलते हैं कि इट शुड परफॉर्म कंटिन्यूसली ओके अगर लाइफ देखे देखेंगे तो आपको इट शुड परफॉर्म कंटिन्यूसली बट इन एक्टिव स्टेजेस और इनएक्टिव स्टेजेस फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन हो गया एफ्रिशन हो गया ग्रोथ हो गया ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन गैसेस का है सो इन रिस्पेक्ट टू दैट हम लोग लाइफ प्रोसेस में बात कर रहे हैं राइट नाउ वी विल सी देर आर लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट ऑन अर्थ ओके सो जो डिफरेंस बिट्वीन हमको किसका देखना है एक है इन एनिमेट ओके क्या है हमारे अर्थ में हमारे अर्थ के ऊपर कौन से ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म बोलने से हम लोग बोलते है क्या हमारे अर्थ के ऊपर राइट तो दो चीजें हैं हमारे अर्थ के ऊपर एक है इन एनिमेट आपके एनसीआरटी में ये वर्ड लिखा है एक है इन एनिमेट और दूसरा है एनिमेट अब जैसे ही ये वर्ड आ जाते हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अरे ये क्या हो गया इन एनिमेट और एनिमेट मैटर है क्या बेसिकली राइट इन एनिमेट फॉर एग्जाम्पल विंड हो गया वॉटर हो गया राइट एयर हो गया फायर राइट right? ये हो गया इन एनिमेट तो सिंपल लैंग्वेज में आपको कैसे समझना है इसको नॉन लिविंग और जो एनिमेट है दे आर प्लांट है एनिमल है दे आर लिविंग यानी कभी कभी क्या रहता है कि बुक्स में कुछ वर्ड्स जो ग्रीक और लैटिन से यूज किए जाते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं आपको एक बार अगर आप उसका मीनिंग समझ लो देन इट इज इजी इन एनिमेट नॉन लिविंग एनिमेट लिविंग तो आपको लगता होगा क्यू ऐसा देते हैं करके सिंपल लैंग्वेज में देना चाहिए ना नो देर आर सम वर्ड विच शुड बी यूनिवर्सली अप्रूव्ड हर जगह वो उसी इसमें रहेंगे राइट right? तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्यों होना चाहिए इसके भी बारे में देर आर सर्टन रीजन राइट सो फर्स्ट यू कैन सी अर्थ के ऊपर है इन एनिमेट एंड एनिमेट एनिमेट जो लिविंग है पहले सोसाइटीज को लगता था फर्स्ट सोसाइटीज़ थिंक ओनली की अबाउट uh, हम हमारे इससे सोचते थे दैट uh, हमारे व्यूज जो हम लोग बोलते हैं ह्यूमन के वो कौन से व्यूज है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज व्हाट इज मीन बाय एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज पहले जो हमारे व्यूज थे जो साइंटिफिकली हम लोग सोचते थे पुराने जमाने में वो कैसे थे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यूज यानी ह्यूमन के बारे में सोचना ओके यानी ह्यूमन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट सो एंथ्रोपोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग इतना याद रखना है आपको एंथ्रोपो पो इज अ वर्ड एंथ्रोपो एंथ्रोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन तो पहले जब भी हम लोग स्टडी करते थे हम लोग ह्यूमन को ही इंपॉर्टेंस देते थे कि ह्यूमन का स्टडी करना है तो इस न्यूज तो पहले हमारे एंथ्रोपोसेंट्रिक अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बट ह्यूमन बीइंग ओके okay, ये तो बहुत बाद में है राइट हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री में ह्यूमन बींग बहुत बाद में आए जो सबसे पहले आए थे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे हमें तो अभी भी याद है कि जब डायनासोर थे तब ह्यूमन बींग थे या नहीं थे वो भी हमें नहीं पता राइट डोंट थिंक अबाउट द मूवीज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन उसमें तो सब कुछ देखा था राइट बट इफ यू सी इन दैट एरा इट इज नॉट रियली पॉसिबल कि वो टाइम पे ह्यूमन बींग हमारे जैसे थे या नहीं थे करके तो हो सकता है उनके भी पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो तो जो सबसे पहले आए थे राइट right? तो वो अभी आपको नहीं दिख रहे तो अगर जब आप कोई भी साइंस या बायोलॉजी के बारे में सोचते हो तो पहले सोचा जाता था एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू हमको सेंटर मान के लेकिन जब हमें पता चला कि हमारे ही हमारे पहले

इस सबका ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन करना यानी सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ओके इसमें क्या हो जाता है देर इज ब्रॉड इन एंड आउट ऑफ द लाइफ इंपॉर्टेंट हो जाते है. कौन से लाइफ आए और कौन से लाइफ बीच में से अभी चले गए राइट right? अभी वो नहीं दिख रहे आपको राइट right? उनका डिटेल आइडेंटिफिकेशन करना है आइडेंटिफिकेशन करना है उनके फॉसिल देखना है अगर वो एनिमल नहीं तो उनके फॉसिल मिलते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना है उनको नाम देना है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन करना नाम देना या उनको क्लासीफाई करना उनको क्लासीफाई जैसे उड़ने वाले एव्स में डाल दो इस तरह से वाले वालेपटाइल्स में डाल दो एम्फीबियन में जो दैट इज कॉल्ड एम्फी यानी बोथ जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन उनको मैमल्स जिनको है तो ये क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी था इफ़ इट इज यू टू ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो जो पुराना व्यूज था हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू जो सिर्फ ह्यूमन के बारे में था अभी जो नया व्यूज है बायोलॉजी में वो कैसा है सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हम लोगों ने लाइफ फॉर्म में राइट इस सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या किया है आइडेंटिफिकेशन नॉम क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दिस ऑर्गेनिज विच इज वी फाउंड ऑन दुआ देर इज अग्रेक ब्रेक थ्रू आया आपके स्टडीज में ओके और क्या था ब्रेक थ्रू स्टडीज में हम लोगों ने पढ़ना चालू किया शेयरिंग ऑफ सिमिलर कैरेक्टर क्या ब्रेक थ्रू है ये कैसे हम लोगों ने ये सब करना चालू कर दिया आइडेंटिफाई कैसे नाम कैसे दिए क्लासिफाई करना कैसे चालू किया वो ब्रेक थ्रू था शेयरिंग ऑफ सिमिलर कैरेक्टर अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट और वो कैसे शेयरिंग करना हम लोगों ने चालू किया एक था हॉरिजोटली और दूसरा है वर्टिकली अब जैसे ही ये दोनों वर्ड आ गए और ये ब्रेक थ्रू आ गया तो आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गया अरे ये कैसे हॉरिजेंटल और ये इफ यू सी सबसे पहले यूनिसेल्युलर आए फिर मरीन ऑर्गेनिज्म आए फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस आए पहले यूनिसेल्यूलर फिर मल्टीसेल्युलर फिर पानी वाले फिर पानी और जमीन वाले फिर टेरेस्टियल आए राइट उसके बाद हम लोग हाउस होल्ड हाउस में रहते राइट right? तो ये हो गया आपका दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ये वक्त की वर्टिकल स्टडी ये सिमिलर कैरेक्टर शेयर करना ऐसे और हॉरिजेंडल यानी समझ लो लैंड वाले तो लैंड वाले कौन से हम भी आ गए उसमें राइट right? टाइगर भी आ गया लॉयन भी आ गया डियर भी आ गया राइट right? तो ये सब लैंड वाले आ गए पानी और जमीन वाले फ्रॉग आ गया टोड आ गया राइट right? इन एक पर्टिकुलर लेवल वाले जो हॉरिजेंटल वाले हैं ये कैरेक्टर सिमिलैरिटी स्टडी करना ये है आपका बिगेस्ट ब्रेक थ्रू तो हम लोग पहले एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में थे फिर धीरे धीरे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया लाइफ फॉर्म का किस बेसिस पे किया हम लोगों ने हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया उनको नाम देना चालू कर दिया लाइफ फॉर्म को क्लासीफाई किया स्टडी होते गए होते गए और एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा शेयरिंग करना कौन से सिमिलर कैरेक्टर वर्टिकल एंडिजोंटल वर्टिकल और अभी के कैरेक्टर है ये सारे कौन से हो गए सेम लेवल वाले कैरेक्टर राइट सो इफ आई एम ऑन द लैंड और कौन कौन से एनिमल है जो लैंड पे रहते तो हम लोग कितने सिमिलर है ये दोनों जब कैरेक्टर सिमिलरिटी हम लोगों ने शेयरिंग करना चालू कर दिया तब हमें बायोलॉजी में बिग्गेस्ट ब्रेक मिला स्टडी करने का सो so, हम लोगों को क्या मिला ऑल प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म आर आर ह्यूमन रिलेटेड टू अदर, एक दूसरे से भी रिलेटेड है और अपने व्हाट इज दैट कॉल्ड एनसिस्टर से भी रिलेटेड है यह हमें इस ब्रेक थ्रू से मिला जब हम लोगों ने पूरी स्टडी की तो हम लोगों को क्या मिला ऑल प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर दैट इज वाई बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म होना बहुत जरूरी है राइट right? तब जब हमको हमको समझा कि लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है राइट बिकॉज वी ऑल आर रिलेटेड अगर डाइवर्सिटी ही नहीं रहेंगी हाउ ऑर्गेनिज्म कैन लिव सोचो फॉरेस्ट के बारे में देखो आप फॉरेस्ट में प्लांट एक ऑर्गेनिज्म घास एक है प्लांट है डियर है फ्रॉग है फॉक्स है उसके बाद टाइगर है लायन है डायवर्सिटी है बट प्लांट को हरब्योर जो आपके डियर खा रहे हैं डियर को हो सकता है टाइगर खा रहा है सो बेसिकली ऑल दे डिपेंड अपॉन ईच अदर राइट अगर वो होते ही नहीं तो कैसे होता फिर दैट इज नॉट पॉसिबल अगर प्लांट ही नहीं होते प्लांट ऑर्गेनिज्म है ही नहीं तो आपके पास फूड कहाँ से आता राइट प्लांट नहीं है तो डियर नहीं है हर भी ओर नहीं है, तो फिर कार्निवर कैसे बचते और कार्निवर नहीं है तो फिर आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपके अर्थ देखो जिसको हम लोग अर्थफॉर्म बोलते हैं जो फंगस है

और तोड़ने के बाद जब ये खाते तो वो ये क्या करते हैं जो इनको खाना है वो खा लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ है वो किधर चला जाएगा आपके मिनरल्स सॉइल में चले जाएंगे और वही मिनरल्स वापस आपके प्लांट में आएंगे और वो कौन खाएगा आप खाओगे या बाकी ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है साइक्लिंग हो रहा है अगर वो नहीं रहते अगर फंगस नहीं होते वो या अर्थ हम नहीं होता इज इट पॉसिबल नो इट इज नॉट सो एवरी ऑर्गेनिज्म इज इंपॉर्टेंट और ये ब्रेक थ्रू हमको कब मिला जब हम लोगों ने शेयरिंग ऑफ सिमिलर कैरेक्टर देखना चालू किए हॉरिजेंटली और वर्टिकली तब हमें मिला कि ऑल प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर सो दैट इज वाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट अब ऐसा बोलने से थोड़ी होता है कि बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट यू नीड टू टेक केयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो राइट बोल दिया राइट right? और इधर हम लोगों के टाइगर मरना चालू है उनका शिकार करना चालू है राइट right? सो so ये अच्छा रहेगा हम लोग फॉरेस्ट काट रहे हैं राइट right? अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहे तो डाइवर्सिटी रहेगी नहीं रहेगी प्लांट नहीं रहेंगे फूड नहीं आएगा हमको फोटोसिंथेसिस की वजह से वो हम नहीं खा पाएंगे सो so बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज मोर इंपॉर्टेंट राइट सो लिविंग वर्ल्ड के लिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है और ये डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना भी इंपॉर्टेंट है तो यही आप लोगों को पढ़ना है इन द बायोलॉजी तो दैट इज वाई ऑल दिस जनरल थिंग दे गिव इन दिस फर्स्ट चैप्टर कि आपको समझ में आए कि वाई बायोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी यू नीड टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करना है राइट बिकॉज राइट नाउ यू आर मोर मैच्योर्ड स्टूडेंट्स हो गए आप, आपको समझ में आता है आप ही हो जो डाइवर्सिटी आप कंजर्व कर सकते हो तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स क्या देखने वाले हम लोग ये चैप्टर में क्लासिफिकेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल तो ये तो पूरा इंट्रोडक्शन हो गया ये चैप्टर का अब जरूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन पे क्वेश्चन नहीं आएंगे क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता ओके okay, नीट में ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं ये पैराग्राफ पे नहीं आएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है राइट सो बेसिकली नीट में क्वेश्चन कहीं पर से भी आ सकते राइट आपको सारा चैप्टर डिटेल में पढ़ना है बेसिकली पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अंडरस्टैंड करो क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन रहते थिंकिंग वाले क्वेश्चन रहते क्या इंपॉर्टेंट है कौन सी स्टडी की सबसे पहले हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो हम लोग किसको सेंटर कर करके चल रहे थे सबसे पहले हम लोग ह्यूमन को सेंटर कर करके चल रहे थे फिर हम लोगों ने क्या किया शेयरिंग ऑफ सिमिलर कैरेक्टर किया तब जाके हमको क्या पता चला ओके बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट सो दिस इज हाउ वी लर्न तो इसी तरह के आपको लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन आपको पढ़ना है राइट सो अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट इन स्पाइट ऑफ रीडिंग इट अगेन अगेन दस बार पढ़ोगे तो मुझे बहुत मार्क्स मिलेगे या आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के अगर आप हजारों एम सी क्यू सॉल्व करोगे तो आपको बहुत मन नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट इज बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वंस वंस यू अंडरस्टैंड आप जैसे मूवी देखने जाते ना वंस यू फिनिश द मूवी आपको कुछ भी पूछो आपको याद रहता बिकॉज यू लाइक दैट मूवी वैसे ही आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है दिस इज लाइक अ मूवी आपको हर एक चैप्टर का कनेक्शन दूसरे चैप्टर में मिलेगा राइट right? और ये जो स्टोरी रहेगी धीरे 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 चलते जाएगी ये आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी और जैसे ही मूवी खत्म हो जाएगी यानी आपका नीट एग्जाम आएगा तो बाहर आपके आपको उसको क्या देने रिस्पॉन्स देने हैं राइट सो दिस इज वेरी इजी राइट सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द क्या पढ़ रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में वी आर लर्निंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल क्या पढ़ रहे हम लोग इस चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल नाउ साइंटिस्ट उनका नाम है, Ernst क्या नाम है उनका नाम बायोलॉजी ऑफ साइंस बोला तो सबसे पहले हमको कौन याद आता डार्विन राइट क्या याद आता हम लोग को डारविन जिन्होंने रिवोल्यूशन सबसे पहले किया था राइट right? बट मेयर को ट्वेंटी सेंचुरी अभी जो चल रहा है ट्वेंटी सेंचुरी का डार्विन बोलते हैं इसका मतलब डार्विन बहुत बड़े राइट बड़े इन द सेंस ये नहीं बट दे आर मोर रिस्पेक्टेड इनका मतलब ये नहीं कि दीज आर लेस रिस्पेक्टेड इनको कहा जाता राइट हमको बोलते हैं ना राइट अरे आप उसके जैसे ही हो Right? हम लोग को कंपेयर करते सो मॉडर्न डे अगर डार्विन पूछा जाएगा आपको या पूछे जाएंगे तो वो कौन है क्यों इनको ट्वेंटी का डार्विन बोलते बिकॉज ही स्टडी द टेक्सोनॉमी इन्होंने ये क्लासिफिकेशन स्टडी किया था प्लांट एंड एनिमल का ओके ही स्टडी द क्लासिफिकेशन इन्होंने स्टडी किया था ये क्लासिफिकेशन इन्होंने देखा था ओके okay, जिसको हम लोग टेक्जानी बोलते हैं टेक्जानी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को नाम दिया था उन्होंने इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेगानॉमी ओके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्होंने स्टडी किया था ओके okay? और डिपेंड किस पे था उन्होंने किया था जियोग्राफी पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे उन्होंने किया था कैसे किया था उन्होंने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था जिसको हम लोग बोल सकते जियोग्राफी जियोग्राफी जियो कहा थे कौन सा एरिया है उस एरिया में कौन से ऑर्गेनिजम मिलते इसको हम लोग बोलते उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एक ये पॉइंट था दूसरा इवोल्यूशनरी बेसिस कहाँ से आया है उनका इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज राइट तो उन्होंने क्या क्या स्टडी किया था क्लासिफिकेशन में एक तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन वाले एनिमल है उनका इवोल्यूशन भी स्टडी किया राइट right? तीसरी उन्होंने स्टडी की थी सिस्टमैटिक ठीक है सिस्टमैटिक क्या है क्या उन्होंने स्टडी किया था वॉट इज सिस्टमैटिक फोर्थ वन उन्होंने स्टडी किया था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ डाइवर्सिटी ये जो स्पेसीज़ हम लोग बोलते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज़ की जो डायवर्सिटी है स्पेसीज़ डाइवर्सिटी का ओरिजिन उन्होंने स्टडी किया था ओके okay, प्लस और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये सेम इवोल्यूशन करना है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ओके तो क्या क्या स्टडी किया था मेयर ने उन्होंने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल का किया था जियोग्राफी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बायोलॉजी देखी थी कि हम लोगों का लाइफ फॉर्म कैसे इवॉल्व हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने सब स्टडी किया उनको स्पेसिफिक अरेंजमेंट किया सिस्टमैटिक जिसको बोलते हैं उन्होंने क्लासिफाई करके और फिर उन्होंने क्या पढ़ा था कि ये जो डाइवर्सिटी है सब लोग डिफरेंट डिफरेंट है ये क्यों है करके राइट right? सो so, इनकी स्पेसिस डाइवर्सिटी हो गई इनका ओरिजिन हो गया कहाँ से शुरुआत हुआ था नहीं तो क्या हो होना चाहिए था सब एक टाइप के एनिमल होने चाहिए ऐसा था है क्या भी नहीं तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ कि एक स्पेसिस में डायवर्सिटी कैसे है जैसे ह्यूमन लुकेटस वी आर ह्यूमन बींग बट हम लोगों लोग आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे के सारे एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग है राइट एक पर्टिकुलर स्पेसी में क्यों डायवर्सिटी है ये ऐसी डायवर्सिटी कहां से आई वॉट इज द रीजन ये सभी स्टडी किया मेयर ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी थी राइट ये इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है कैसे इवोल्यूशन हुआ कैसे मल्टी सेलुलर बन रहे धीरे धीरे कैसे अडेप्टेशन ऑफ कैरेक्टर हुए इतना सब उन्होंने स्टडी किया था आंस्ट मेयर ने राइट ओके सो ही बॉर्न अप्रोक्सीमेटली मुझे लाइक like 194 में उनका बर्थ हुआ था दे डाइड इन 2004 राइट right? यानी अभी 14 साल पहले दैट्स व्हाई वी कॉल इन मॉडर्न और ये सब उन्होंने ये कैन यू सी हियर इट इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर उनका था राइट right? इस 100 ईयर की जर्नी में उन्होंने 16 17 18 साल से स्टडी चालू कर दी थी सो so, उन्होंने कम से कम 80 इयर्स ये सब कुछ पढ़ा था एंड इन बिटवीन दैट दे अवोर्डेड थ्री टाइम्स ओके उनको थ्री प्राइजेस मिले थे ड्यूरिंग लाइक सम 1981 82 एंड 83 इसीलिए उनको वो उनको मिला था तब थ्री प्राइजेस को मिलाकर एक ट्रिपल क्राउन अवार्ड मिला था उनको ट्रिपल क्राउन बायोलॉजी किसके लिए बायोलॉजी के लिए क्योंकि मिला है वो राइट सो दिस ऑर्गेनिज्म राइट so, जो अपने अपने में कुछ तो में मिलेंगे कभी आपने सुना है कि एक अगर आप लिविंग वर्ल्ड में अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म आपके घर में जो गीजर है गीजर का टेम्परेचर तो बहुत रहता है लाइक थाउजेंड था। था। हंड्रेड हो गया हंड्रेड एंड फिफ्टी उस गीजर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, राइट तो ये कैसा हो गया राइट? तो ये सारी चीजें उन्होंने सोची क्यों रहते होंगे क्योंकि उनको टेम्परेचर से कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा हाई टेम्परेचर में ही उनके एंजाइम्स काम करते हो इसीलिए मैंने बोला इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तो जरूरी नहीं कि हम लोग इसी टेम्परेचर पे रह सकते राइट हम लोग हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऐसे बहुत ठंडी में भी रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत गर्मी में भी थर्मोफिलिक बोलते हैं राइट राइट अब आपकी तरफ देखो राइट अगर आपको ए में रखा जाए और आपको अचानक से अगर बाहर निकाला जाए तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है क्योंकि आपको आदत हो चुकी है उस पर्टिकुलर आपने वो एडेप्ट कर लिया टेम्परेचर को राइट जैसे ही आप वो बंद कर दोगे और एक दो दिन विदाउट उसके रहोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी नहीं आपकी बॉडी उसके लिए बनी है आप कुछ भी आपके बॉडी में चेंजेस कर सकते हो लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उनके बॉडी में मैकेनिज्म ही नहीं है कि टेम्परेचर मेंटेन करने का राइट आपके बॉडी में है फॉर एग्जाम्पल क्या होता जस्ट फॉर अभी ये लेक्चर में मैं बोलता हूं कि होता क्या है अगर आपको ठंडी लगी है क्या करते आप यू जस्ट स्टार्ट शेकिंग योर बॉडी वेन एवर यू शेक यू मूव आपको ये होता है ना ठंडी में कप कब पी है योर बॉडी मूव और जब भी काइनेटिक एनर्जी आएगी तो क्या डेवलप होगा हीट एनर्जी और वो हीट आपकी बॉडी को अंदर से गर्म करेगी राइट right? ये हो गया आपका मैं आपकी बॉडी ने आपको बचाया है राइट right? वो ठंडी से अब हम लोग उल्टा करते गर्मी आ गई जैसे ही गर्मी आई तो क्या हो जाता बहुत गर्म होने के बाद धीरे 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 आपके बॉडी से पसीना निकलने लगता स्वेटिंग होती एंड देन स्लाइट एयर आपको ठंडा कर देती सो so, बेसिकली ये आपने क्या क्या आपने पानी डाला के ऊपर से नो no, ये आपकी बॉडी का मैकेनिज्म है सो योर बॉडी बेसिकली क्या करती है आपको कंट्रोल लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे है जैसे समझ लो आप क्रोकोडाइल ले लो समर में क्रोकोडाइल क्या करती है जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं राइट चिखल जिसको बोलते हैं राइट वहाँ अपने आप को अंदर लेके जाती है क्योंकि वो मेंटेन नहीं कर पाती है टेम्परेचर और वो समर में इधर उधर घूम भी नहीं सकती पानी में क्योंकि वो ज़्यादा गर्म रहता है तो उसको ठंडा रहना है शी कैन नॉट मेंटेन द टेम्परेचर राइट सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ये सारा चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है राइट right?